हर नल से जल, यही है जल जीवन मिशन। हरियाणा का ये गांव उन हजारों गांव में से एक है जहां हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। बिल्कुल साफ और स्वच्छ जल। अब न सिर पर बंटा धरना, न लाइन में लगना, बस नल खोलो और जल भर लो, जमा आनंद होगे। होरी सारी राजी राजी चाची ताई भानर भाभी, घर में पहुंच रहा सजल, हर घर जल अर नल सजल, घर में पहुंच रहा सजल, हर घर जल अर नल सजल। महेंद्रगढ़ जिले के कोथल खुर्द गांव के हर घर में टैप वाटर कनेक्शन है। गांव के सभी घरों में बराबर पानी पहुंचता है। हर नल का कनेक्शन घर के अंदर है और प्रत्येक नल पर टैप लगी है। पानी की सप्लाई नियत समय पर होती है। इस गांव में न घर में पानी व्यर्थ बहता है और न ही गलियों में। कोथल खुर्द गांव की तरह ही अंबाला के तेपला गांव में भी ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं सीवरेज समिति ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि एक बूंद पानी भी गलियों में नहीं बहता। तेपला गांव के प्रत्येक घर में पानी सप्लाई की व्यवस्था शहरों जैसी है। नल खोलो और जल भर लो। तेपला गांव जिस तरह से पानी लोगों के घरों में पहुंचाने का काम करता है, उस तरह पानी को बचाने का काम भी करता है। तेपला घर की हर एक गली में, हर एक घर में जो है पाइप का कनेक्शन हुआ है और उसके ऊपर टैप लगी हुई है। लोग पानी को यूज़ करके, पानी भर के उसको टैप को बंद कर देते हैं। इसमें गांव का जो वेस्ट पानी है वो एक पॉन्ड से होकर उसकी फिल्टर होकर उसको खेतों में पहुंचाया जाता है। ये कार्य जो है तेपला गांव की समिति और पंचायत का कार्य और जो वाटर मैनेजमेंट का कार्य करते हैं उन सबके द्वारा मिलकर ये सहयोग किया गया। तेपला और कोथल खुर्द गांव की तरह ही हरियाणा के प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है हरियाणा का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। लेकिन हर घर में पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए ग्राम पंचायत, ग्रामीणों और ग्राम जल एवं सीवरेज समिति की बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और जहां ये तीनों मिलकर काम करते हैं, वहां तेपला, कोथलखुर्द जैसे बहुत से गांव हैं जहां पानी की सुचारू आपूर्ति हो रही है। और जहां ये तीनों मिलकर काम नहीं करते, वहां क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। सरपंच साहब, पड़ोस के हर गांव में पानी की सप्लाई बहुत बढ़िया हो रही है, अपने गांव में क्यों नहीं हो रही? आराम फड़े और बर्तुके करते, खूब पानी आओ, मेरे घर पहुंचता ही नहीं। भाई पाछे गलिया में खुल्या पानी चल रहा है, आधा पानी पाछे ने रह ले है। अरे मैन पानी की पाइपलाइन कई जगह लीक है और सुने कई गलिया में पानी के कनेक्शन भी नहीं है। सुनो भाई, थारी सब की बात ठीक है, पर ये सारे काम ग्राम जल एवं सीवरेज समिति के हैं। उस समिति का चेयरमैन भी सरपंच हो भाई। और समिति तो सही काम कराना, ग्राम पंचायत का काम है, पर गांव वाला का सहयोग भी तो जरूरी है। बता सरपंच साहब, कैसे सहयोग चाहिए? पूरा साथ देंगे। तो फिर बुलाओ VWSC की बैठक। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हर गांव में पीने के पानी की सप्लाई करता है और सीवरेज की सुविधा देता है। पीने के पानी की सुचारू आपूर्ति और सीवरेज की सही व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा हर गांव में एक ग्राम जल एवं सीवरेज समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। इसमें सरपंच अध्यक्ष होता है, तीन पंच, चार गांव के सदस्य, एक जेई पंचायत एवं विकास विभाग से, ग्राम सचिव और एक जेई जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से होता है। समिति में 50% महिलाओं का होना जरूरी है। जन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर गांव में पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी ग्राम जल एवं सीवरेज समिति की होती है। इस समिति के सभी सदस्यों के नाम और फोन नंबर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए हैं। अपने गांव में पानी की सप्लाई ठीक नहीं हो रही है, हम सबको मिलकर ये दिक्कतें दूर करनी है। आज हमारे साथ पब्लिक हेल्थ के जेई लोकेश यादव हैं और पंचायती राज के जेई अमित कुमार हैं। जेई साहब, सबसे पहले तो जो लाइन लीक है उन्हें ठीक करवाना है। फिर जिस गली में पानी नहीं पहुंचा है वहां पाइपलाइन डलवानी है और वहां घरों में कनेक्शन देने हैं। ठीक है, इसका एस्टिमेट हमने तैयार करना है और VWSC कमेटी के साइन करवा के इसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में जमा करवा देंगे। जिन घरों के बाहर पानी के नलके खुले पड़े हैं उनको अंदर करवाना है और गांव वालों को समझाना है, हर नल पे टूटी लगवाएं, जितना जरूरत हो उतना पानी प्रयोग करें ताकि पानी व्यर्थ ना बहे। तो ठीक है, आज से शुरुआत करते हैं जल जीवन मिशन की, हर घर में नल से जल।
ग्राम जल एवं सीवरेज समिति, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और ग्राम पंचायत के बीच कड़ी का काम करती है। यदि कहीं कोई पाइप लीक है या कहीं कोई रुकावट है तो उसे गांव वालों के साथ मिलकर दूर करवाना, लोगों को पानी बचाने, स्वच्छ पानी के रखरखाव के लिए जागरूक करना भी समिति का काम है। हर घर में पानी के टैप कनेक्शन होने के बाद पानी आपूर्ति के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी ग्राम जल एवं सीवरेज समिति की ही होती है। हरियाणा सरकार अब पीने के पानी की आपूर्ति की पूरी जिम्मेदारी ग्राम जल एवं सीवरेज समिति के माध्यम से ग्राम पंचायतों को दे रही है, ताकि गांव में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से की जा सके। मतलब ये होया कि गांव ने साफ पानी और सफाई चाहिए तो ग्राम जल एवं सीवरेज समिति ने अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। केवल ग्राम जल एवं सीवरेज समिति का काम नहीं चलेगा भाई, यह जिम्मेदारी तो हर ग्रामीण ने निभानी पड़ेगी। मारी क्या जिम्मेदारी है भाई? समिति का सहयोग करने की, पानी बचाने की और टाइम तक पानी का बिल भरने की। जब हम सारे टाइम तक पानी का बिल भरेंगे तो समिति ने पानी की सही सप्लाई करने में मदद मिलेगी। यो बिल भरना किस तरह है? बिल्कुल आसान से भाई, अपने मोबाइल में भारत बिल पे ऐप डाउनलोड करो, अपने पानी का कनेक्शन नंबर भरो और भुगतान कर दो, या फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाके भी पानी के बिल का भुगतान कर सको सो। अब बात करते हैं पानी की स्वच्छता की। अगर हमारा पीने का पानी साफ और स्वच्छ नहीं होगा तो हमें कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डायरिया, उल्टी, दस्त, किडनी के रोग, चर्म रोग। इसीलिए हमारे नल से जो पानी आ रहा है उसकी हमें समय समय पर जांच करवानी चाहिए। अगर हमारा पीने का पानी साफ और स्वच्छ होगा तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा की हर जिले और कई मंडल स्तर पर वाटर टेस्टिंग लैब है। आप विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन डिटेल्स भरने के बाद पानी का सैंपल इन लैब में जमा करवा सकते हैं। इसके बाद पानी की जांच की रिपोर्ट ऑनलाइन भेज दी जाएगी। थोड़े से पैसे देकर आप अपने पानी की जांच करवा सकते हैं। यदि आपका पीने का पानी साफ नहीं आ रहा है, सीवरेज में कोई रुकावट है या पानी से संबंधित कोई और समस्या है तो आप जन स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800180578 पर सीधे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या फिर उमंग ऐप, सरल पोर्टल और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं। 2 से 7 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। विभाग पूरा अपना जोर लगा रहा है कि सभी गांवों में, हर घर में, हर रोज निर्मल जल पहुंचे, स्वच्छ जल पहुंचे। इसमें VWSC की भागीदारी बहुत अहम है। उसको हम जागरूक भी कर रहे हैं, उनको हम सक्षम भी बना रहे हैं। उसके साथ इसको लंबे अरसे में, क्योंकि उन्होंने चलाना है, तो ये मैं आह्वान करता हूँ कि सभी VWSC जन स्वास्थ्य विभाग के साथ, पंचायत विभाग के भी उसमें नुमाइंदे हैं, उन सभी का एक मिलजुल के सहभागिता से उसको अपना जल घर को और वाटर सप्लाई पूरे सिस्टम को अपना समझ के कार्य करेंगे तो ये लंबे अरसे पे टिकाऊ मॉडल बनेगा। मैं आह्वान करता हूँ सभी VWSC से, सभी ग्रामीणों से, कि वो इसमें सहभागिता करें और इसको अपनी संपत्ति समझ के भागीदारी से काम करें तो ये जरूर जल जीवन मिशन लंबे अरसे तक सफल रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत 2024 तक देश के हर गांव और हर घर में पर्याप्त और साफ जल नल से देने का लक्ष्य तय किया गया है। हरियाणा इस मिशन में 2 कदम आगे बढ़कर 2022 तक हर घर नल से जल देने के लिए बेहद तेजी से काम कर रहा है। जल जीवन मिशन के तहत संपूर्ण देश में, ग्रामीण क्षेत्र में, हर घर में नल और हर नल में जल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक तय किया गया था भारत सरकार द्वारा, लेकिन हरियाणा प्रदेश में ये लक्ष्य 2022 तक ही पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक हमारे हरियाणा में 31 लाख ग्रामीण घरों में लगभग 94%, 29 लाख और 26,000 घरों में हर घर में नल और हर नल में जल पहुंचाने की प्रक्रिया समाप्त की जा चुकी है। इसके अलावा 9 जिले ऐसे हैं 22 में से जहां पर हर घर में, ग्रामीण क्षेत्र में नल पहुंचाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि दिसंबर 2022 तक सभी 22 जिलों में 100% सभी गाँव में ये मिशन पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूँगा
कि हमारी ग्राम पंचायत जल एवं सीवरेज समिति के साथ मिलकर हमारा जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वो बड़ी तेजी से तत्परता से काम कर रहा है कि जिन जिन घरों में अभी कनेक्शन नहीं है उनका पूर्ण सर्वे करके और समय से पहले हमारी प्रतिबद्धता के मुताबिक वहां पे सभी कनेक्शंस पूरे कर दिए जाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का भी सपना है कि हरियाणा में 2022 तक प्रत्येक गांव के सभी घरों में फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप वाटर कनेक्शन दे दिया जाए। इसके साथ ही अब तक जितने घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिए गए हैं वहाँ पर्याप्त स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, जल जीवन मिशन के तहत हम अपने प्रदेश के हर घर में 2022 तक नल से जल पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में जल पहुंचाने के जिस उद्देश्य से जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी उसी भाव के साथ हम अपने प्रदेश में जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन कर रहे हैं। आप भी इस पवित्र मुहिम में अपनी भागीदारी निभाएं। ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं सीवरेज समिति अपने अधिकार और जिम्मेवारी को निभाते हुए अपने गांव में साफ और स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। अभी तक हरियाणा के सभी 22 जिलों में से 9 जिलों के 100% घरों में नल से जल पहुंचा चुके हैं। अगर गांव की बात करें तो प्रदेश के कुल 6,814 गांव में से 5,817 गांव के 100% घरों में नल से जल पहुँच चुका है और बाकी बचे हुए गाँव में भी नल से जल पहुंचाने का कार्य मिशन मोड में चल रहा है। हम सब मिलकर जल जीवन मिशन के इस उद्देश्य को निर्धारित समय से 2 साल पहले ही सन 2022 तक पूरा करके एक मिसाल कायम करेंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा ग्राम पंचायतों ग्राम जल एवं सीवरेज समिति और ग्रामीणों के सहयोग से जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा के हर घर में पहुंचेगा नल से जल। हर घर नल से जल पहुंचाएंगे, जल जीवन मिशन को सफल बनाएंगे।